स्क्रीन पर जो आप दृश्य देख रहे हैं वो हमारे टेलीविजन और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर छाए हुए हैं। 7 अक्टूबर को हमास ने इसराइल के साथ वर्षों से चले आ रहे संघर्ष और युद्ध के बीच एक आश्चर्यजनक हमला कर दिया। हमास ने कथित तौर पर इसराइल पर 5,000 मिसाइलें दागी, जिन्हें इसराइल के आयरन डोम ने हवा में रोक दिया और नष्ट कर दिया, जिससे लोगों की जान बच गई। आयरन डोम का एक वीडियो सामने आया है जिसमें रॉकेट को रोकने की टेक्निक दिखाई जा रही है। आयरन डोम क्या है, यह कैसे काम करता है, इसे इसराइल की सबसे उन्नत रक्षा प्रणाली क्यों कहा जाता है, चलिए जानते हैं। आयरन डोम जमीन से हवा में मार करने वाली रक्षा प्रणाली है जो गाजा, लेबनान और आसपास के अन्य दुश्मन इलाकों से आने वाली मिसाइलों, रॉकेटों और यहां तक कि ड्रोन को रोकती है और उन्हें हवा में नष्ट कर देती है। रक्षा प्रणाली की मारक क्षमता 70 किलोमीटर तक है। आयरन डोम के 3 मुख्य घटक हैं। सबसे पहले डिटेक्शन और ट्रैकिंग रडार कमांड यूनिट, जो आने वाले रॉकेट का पता लगाता है। दूसरा हथियार नियंत्रण प्रणाली, जो प्रभाव बिंदु का अनुमान लगाती है और खतरों और प्रक्षेपक वक्र का विश्लेषण करती है। और तीसरा मिसाइल प्रक्षेपण इकाई, जो आबादी वाले क्षेत्रों को निशाना बनाने पर रोकने और नष्ट करने के लिए मिसाइलें दागती है। मिसाइलों को उड़ान के बीच में और कुछ ही सेकेंड के अंदर मार गिराया जाता है। रक्षा आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए इसे या तो जहाजों पर या जमीन के किसी भी हिस्से में ले जाया जा सकता है। आने वाली मिसाइलों को रोकने के लिए आयरन डोम को लगातार लोड किया जाना जरूरी है। साल 2012 में हमास के साथ संघर्ष के दौरान इसराइल ने दावा किया था कि दागे गए 85% रॉकेटों पर जवाबी हमला किया गया। साल 2014 के संघर्ष के दौरान हमास की ओर से कई दिनों में 4,500 से अधिक रॉकेट दागे गए थे। इसराइल ने दावा किया था कि उसने इनमें से 90% पर जवाबी हमला किया, लेकिन इस बार कथित तौर पर हमास ने आयरन डोम को चकमा देते हुए इसराइल पर रॉकेटों की बौछार कर दी। एसोसिएटेड प्रेस का दावा है कि आयरन डोम दागे गए 90% रॉकेटों को ही इंटरसेप्ट कर पाया।